एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिषी सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी कुंडली से और आपकी प्रेमिका की कुंडली से यह जान सकते हैं कि आपका जो साथी वो प्रेमी है या नहीं है, और अगर वो प्रेम कर रहे हैं तो विवाह में कन्वर्ट होगा या नहीं। अगर विवाह में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो आपका जो शादी है और वैवाहिक जीवन वो सुखी रहेगा या नहीं है। तो आज हम पॉजिटिव में बात करेंगे कि मान लो आप जातक और जातिका है, अपनी कुंडलियों में देखें कि अगर आपके लग्न में या पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, ग्यारहवें भाव में अगर शुक्र की स्थिति बनी है तो ये जो आपके जातक और जातिका जो भी हैं वो प्रेमी स्वभाव के रहेंगे, अगर ये कुंडली में अगर इस तरह का दर्शा रहा है। इसके पश्चात आप देखिए कि जो शुक्र ग्रह है उसकी स्थिति हमने अभी बता दी कि शुक्र प्रेम का कारक है, तो उसकी स्थिति इन भावों में होने से वो प्रेमी स्वभाव का होगा। अब आप जानिए कि पंचम भाव आपका प्रेम का भाव कहलाता है और जो सप्तम भाव है लग्न से वो वैवाहिक विवाह का भाव कहलाता है, और नवम भाव जो है आपका अगर उनका संबंध बन रहा है तो वैवाहिक सुख शादी के बाद में आपको प्राप्त होगा जो भी प्रेमी और प्रेमिका है। इसको कैसे देखें, देखिए कि जो पंचम भाव है उसका स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, यानी पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामियों का अगर आपसी संबंध बने और शुभ संबंध बनेगा तो आपका विवाह हो जाएगा। अब विवाह हो जाने के बाद में अगर यही पंचम भाव का संबंध अगर आपके नवम भाव के स्वामी से बनता है या नवम भाव से बनता है तो यह दर्शाता है कि विवाह के बाद में आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होगा। तो ये आप अपनी कुंडलियों में सरल तरीके से जान सकते हैं, और जो जिस तरह के अगर योग है तो आपका ये मान के चले कि आपका प्रेमी जो है वो प्रेम करने वाले जो प्रेमी लोग हैं उनके अगर इस तरह के अच्छे शुभ संबंध बन रहे होंगे तो ये शुभ संबंध आपको प्रेमिकाओं का विवाह के बंधन में बांध देंगे, और विवाह के बंधन बनने के बाद में सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेंगे अगर ये शुभ संबंध बनेंगे आपकी कुंडली में। तब विस्तृत से जानकारी चाहते हो तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, यहाँ पे आपको डिटेल में वो जो वीडियो उपलब्ध हैं वो आप ज़रूर देखिए और उसका लाभ उठाइए। आपको हमारी चैनल अगर सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।